जय हिंद दोस्तों नमस्कार आज एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं ओ के ऊपर जिसमें हम लोग थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एस के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट टूडेज़ वीडियो एंड आर फर्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज़ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट मतलब कि मान लीजिए दो पार्टीज़ के बीच झगड़ा हुआ है तो उनके बीच जो मध्यस्थ का काम करता है मतलब उनके झगड़े को निपटाने के लिए जो बीच में रहता है उसको कहा जाता है आर्बिट्रेटर ओके मध्यस्थ उसको कहते हैं एंड ब्रोकर ब्रोकर का मतलब होता है व्यापारी जो स्पेशली शेयर में काम करता है एंड वैल्यूअर का मतलब होता है किसी चीज़ का दाम लगाने वाला वैल्यू ठीक करने वाला दैट इज़ गल्ड वैल्यूअर एंड ऑडिटर का मतलब तो होता है लेखा परीक्षक यानी कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखता है किसी भी कंपनी में ओके सो so, देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स स्टार्स का एक ग्रुप एंड इसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन तो स्टार्स का वो पर्टिकुलर ग्रुप जो एक शेप फॉर्म करे उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है एंड कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा या फिर किसी मंदिर वगैरह में जो धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं उसको भी कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है एंड एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान एंड प्लानिट्स तो आपको पता ही है नेक्स्ट इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब कि जिन वर्ड्स को कोई भी चीज़ लिखने के लिए या बोलने के लिए यूज़ किया गया था उन्हीं प्रॉपर वर्ड्स को फिर से एक्जैक्टली exactly उन्हीं वर्ड्स को फिर से यूज़ करना ओरिजिनल की तरह तो उसको कहा जाता है वो ओके एंड यहाँ पर रिपीटिशन ड्यूप्लीकेशन या फिर रिकरेंस नहीं होगा इन तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ रिक्रिएट करना डुप्लीकेट करना मतलब कि किसी चीज़ को देख कर नया कोई चीज़ बनाना बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि एग्जैक्टली exactly वही वर्ड्स यूज़ होंगे उसमें उसमें थोड़ा चेंज भी आ सकता है नेक्स्ट बी मोर सक्सेसफुल देन समवन किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल होना तो इसमें विन बिट या फिर सक्सीड का यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड आउटडू आउटडू का मतलब होता है किसी से ज़्यादा सक्सेस पाना नेक्स्ट रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री एक ऐसा रूलर जो पूरे कंट्री के ऊपर मतलब जिसका पावर हो इसको कहा जाता है डिक्टेटर एंड डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतंत्रवादी एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन वर्ग का शासन एंड ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही जो अपने देश के प्रति ही गद्दारी करता है नेक्स्ट टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड मतलब कि अपने ही तरह के किसी दूसरे से मिलना जुलना जिसको पसंद हो इसको कहा जाता है ग्रगारियोस ओके okay? ग्रिगारियस एंड जीनियल हारमोनियस और कॉन्ग्रियस ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं बट इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इन तीनों का मीनिंग होता है जो चीयरफुल होता है फ्रेंडली होता है दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है बट ग्रिगारीस वो इंसान है जो अपने ही तरह के उस पर्टिकुलर टाइप के इंसान से या फिर किसी भी चीज़ से मिलना पसंद करता हो दैट इज़ कॉल्ड ग्रगैरियस नेक्स्ट अ जियोमेट्रिकल फिगर विद एट साइड्स ऐसा एक जियोमेट्रिकल फिगर जिसके आठ साइड्स हों आठ भुजाएं हों तो उसको कहा जाता है ऑक्टागॉन तो जैसे कि पेंटागॉन पेंटागॉन का मतलब होता है पंचभुज हैक्सागॉन मतलब षडभुज एंड हैप्टॉन मतलब सप्तभुज सात भुजाओं वाला एंड ऑक्टागॉन मतलब एट साइड्स वाला आठ भुजाओं वाला पेंटागॉन हैक्सागॉन हप्टेगॉन एंड देन ऑक्टागॉन नेक्स्ट टू लेंथस ऑफ रोप बैम्बू और वुड विद रंग्स यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स साइड्स ऑफ शिप्स एट्सेट्रा इसको सिंपल तरीके से समझिए तो इसका मीनिंग है बाँस लकड़ी या फिर रस्सी का जो सीढ़ी होता है तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है लेडर ओके लैडर किसी भी मटेरियल का सीढ़ी हो सकता है चाहे बाँस का हो रस्सी का हो वुड uh, का हो बट स्टेयरकेस स्टेयरकेस वो सीढ़ी होता है जो फिक्स्ड होता है किसी बिल्डिंग के अंदर ओके एंड ब्रिज ब्रिज तो नदी के ऊपर से जाने वाला रास्ता होता है एंड स्टेप्स तो होगा ही नहीं यहाँ पर ओके नेक्स्ट अस्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और समथिंग किसी चीज के या फिर किसी इंसान के प्रति बहुत सी ज्यादा डिसलाइक यानी कि हेट होना घृणा होना घृणा का फीलिंग होना दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी जैसे कि सिंपैथी सिंपैथी इसका उल्टा हो जाएगा सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति एंड टेलीपैथी टेलीपैथी का मतलब होता है किसी के भावनाओं को फीलिंग्स को बिना कहे ही समझ लेना उसको देख कर ही समझ लेना एंड एम्पैथी एम्पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स को समझना किसी के दुख दर्द को समझना इसको भी सिंपैथी की तरह ही मान सकते हैं नेक्स्ट और वॉयेंट वाइंड स्टॉम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान वायलेंट तूफान इसको कहा जाता है टेम्पेस्ट ओके टेम्पेस्ट एंड ड्राफ्ट पहले वाला ड्रॉट नहीं है ड्राफ्ट कहेंगे इसको तो इस ड्राफ्ट का मतलब होता है बंद कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका दैट इज़ गड ड्राफ्ट एंड जो ऑप्शन बी में है ड्राउट तो इसको ड्राउट कहा जाता है एंड इसका मीनिंग होता है सूखा एंड टेम्परेट टेम्परेट का मतलब होता है नॉर्मल प्लीजेंट वेदर ना तो अधिक ठंडा ना ही अधिक गर्म ओके नेक्स्ट एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फियरिक प्रेशर मतलब कि एटमोस्फियर में वायुमंडल में क्या ताप है क्या प्रेशर है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर ओके बैरोमीटर को हिंदी में कहते हैं वायु दाब मापी यंत्र वायु का दाब मापने वाला यंत्र एंड थर्मोमीटर होता है बॉडी टेम्परेचर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट एंड वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट जबकि ऑल्टीमीटर ऑल्टीमीटर होता है समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑल्टीमीटर ओके ऑल्टीट्यूड को मापने वाला सो so, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स यंग एनिमल्स मतलब कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनका फैमिली तो उसका उसको कहा जाता है ब्रूड ओके एंड नेस्ट मतलब घोंसला होता है एंड क्लच क्लच का मतलब होता है uh, किसी को मजबूती से पकड़ना किसी भी चीज़ को एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान नेक्स्ट हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स कोई भी चीज़ जो एंडलेस हो लिमिटलेस हो तो उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब ही होता है अनंत ओके okay? एंड एनॉर्मस ट्रमेंडस एंड कोलोजल इन तीनों का मतलब होता है विशाल आ, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या फिर बड़ी मात्रा में तो उसको कहा जाएगा एनॉर्मस ट्रमेंडस या फिर कोलोजल तो ये इनफाइनाइट का सिनोनिम नहीं होगा इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है और इन तीनों का मतलब होता है विशाल विशाल का भी कोई लिमिट हो सकता है कोई एंड हो सकता है नेक्स्ट पर्सन हु प्रजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज प्रोग्राम जो रेडियो या फिर न्यूज़ प्रोग्राम में एज अ लिंक कोई चीज़ एक्ट करता है या प्रेजेंट करता है तो उसको कहा जाता है डिस्क जॉकी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिसको डीजे कहते हैं एंड एक्टर एक्टर तो आपको पता ही है एंड एंकर वो होता है जो टेलीविजन या फिर रेडियो प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करता है एंड प्रोग्रामर का मतलब होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने वाला कंप्यूटर के लिए ओके नेक्स्ट अ प्लेस वर गेम्स आर फॉर मनी जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं वो भी पैसे के लिए तो आप समझ ही गए होंगे इसको कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है इसको जुआ घर तो जुआ घर को इंग्लिश में कहा जाता है कैसीनो ओके एंड चर्च तो नहीं होगा एंड जिमनाशियम वो जगह होता है जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज किया जाता है या फिर गेम्स खेला जाता है फिजिकल एंड यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय द स्टेट ऑफ बींग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम मतलब कि एक टाइम में किसी एक ही पर्सन से मैरिड होना शादीशुदा होना उस स्टेट को कहा जाता है मोनोगी मोनो Mono का मतलब होता है एक सिंगल और गमी रिलेटेड होता है शादी से इसलिए मोनोगी मतलब एक टाइम पर एक ही इंसान से शादी करना एंड पॉलीगैमी पॉलीगैमी ठीक इसका उल्टा है पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा और गैमी का मतलब होता है मैरिज तो एक टाइम पर एक से ज़्यादा मैरिज रिलेशनशिप होना इसको कहा जाता है पॉलीग्यामी एंड बाईग्यामी सो बाय का मतलब होता है टू सो so, एक टाइम पर दो दो हस्बैंड या फिर दो दो वाइफ होना उस कंडीशन को कहा जाता है बाईग्यामी एंड होमोगी का मतलब होता है सजातीय विवाह तो so, सजातीय विवाह क्या होता है मैरिज बिटवीन टू पीपल ऑफ सिमिलर साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड दैट इज कॉल्ड होमोगी ओके नेक्स्ट एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन मतलब कि सिंहासन को त्याग कर देना उस एक्ट को कहा जाता है एबेंडनमेंट ओके सो एबेंडनमेंट और एबडिकेशन दोनों का मतलब होता है परित्याग करना और दोनों ही थ्रोन से ही रिलेटेड हैं बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि एबडिकेशन uh, जो होता है वो इनवॉल्टरी होता है मतलब कि आप स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं कर रहे हैं हो सकता है आप किसी मजबूरी की वजह से या फिर आप किसी के द्वारा जबरदस्ती उस पद को त्याग करवाए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एपडिकेशन और यहां पर सिंपली दिया गया है द एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन मतलब कि इसमें स्वेच्छा से किसी थ्रोन को त्याग किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एबेंडनमेंट ओके एंड रनंसिएशन होता है किसी धर्म या फिर बिलीफ को त्याग कर देना एंड रेजिग्नेशन होता है किसी जॉब को छोड़ देना ओके okay? नेक्स्ट वन हु लव्स हिज कंट्री मतलब कि ऐसा कोई जो अपने कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हो एंड दैट इज कॉल्ड पैट्रियट पैट्रियट मतलब कि देश प्रेमी देशभक्त एंड कोलेबोरेटर कोलेबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी जो आपस में मिलकर साथ में काम करते हैं एंड कॉन्स्परेटर कॉन्स्परेटर का मतलब होता है षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र करते हैं एंड ट्रेटर ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही ये देश प्रेमी का उल्टा है पैट्रियट का अपोजिट ट्रेटर ओके नेक्स्ट टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर प्यूबेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट तो प्यूबेशन का मतलब होता है पब्लिकेशन सो किसी रिटर्न मटेरियल को करेक्ट या फिर मोडिफाई करते हुए पब्लिकेशन के लिए उसको तैयार करना एंड दैट इज कॉल्ड एडिट एंड समराइज समराइज का मतलब होता है किसी भी डिस्क्रिप्शन के सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही बताना ब्रीफली ओके okay? उसको समराइज कहा जाता है एंड क्रॉप का मतलब होता है काट कर छोटा कर देना एंड एवरेज को क्रॉप की तरह ही मान सकते हैं एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन कर देना ओके okay? संक्षिप्त कर देना नेक्स्ट टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे ऐसे एक्सप्रेस करना कि किसी को समझ ही ना आए तो इस अनक्लियर वे में एक्सप्रेस करने को कहते हैं गार्बल्ड ओके गार्बल्ड एंड एलोक्वेंट का मतलब होता है वाकपटू जो जो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना जानता हो एंड ल्यूसिड ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर और इंटेलिजिबल भी वही है जिसको समझना आसान हो ल्यूसिड दैट इज़ क्लियर जिसको समझा जा सके नेक्स्ट द हाइस्ट पॉइंट मतलब कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे ऊंचा पॉइंट दैट इज कॉल्ड जेनिथ एंड इसका ऑपोजिट होता है नेडर जो ऑप्शन डी में दिया गया है नेडर मतलब कि द बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड पैराडाइज मतलब तो स्वर्ग होता है एंड होरिजोन का मतलब होता है द प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ और स्काई आपस में मिल रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड होरिजोन नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स मतलब कि जगहों को खोदकर इंसान की हिस्ट्री या फिर प्री हिस्ट्री को पढ़ना खुदाई के द्वारा सो so, उसको कहा जाता है आर्क्योलॉजी आर्क्योलॉजी मतलब कि पुरातत्व विज्ञान ओके okay? एंड सेफोलॉजी का मतलब होता है इलेक्शन का स्टडी एंड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का स्टडी मानव जाति के बारे में जो स्टडी होता है एंड जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान yeah. यानी कि मेनली जो चट्टान से रिलेटेड होता है वो साइंस नेक्स्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट फ्लावर्स का वो गुच्छा जो प्रेजेंट के रूप में दिया जाता है किसी को दैट इज़ कॉल्ड बुके नॉट बुकेट इट्स बुके ओके एंड रेथ एंड गार्लैंड दोनों का मतलब तो पुष्पहार ही होता है बट रेथ रेथ थोड़ा सा डिफरेंट है रेथ वो होता है जो राउंड शेप में होता है बिल्कुल एंड गार्लैंड का मतलब होता है गले में पहनाने वाला ओके okay? नेक्स्ट वन हु स्टडीज़ द ऑकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर्स एंड दे आर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ सो ऑकल्ट का मतलब होता है जादुई रहस्यमयी सो so, ऐसा कोई इंसान जो नंबर्स के ऊपर स्टडी करता है इसको कहा जाता है न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमर रिलेटेड होता है नंबर्स से और लॉजिस्ट का मतलब होता है उसके ऊपर स्टडी करने वाला सो दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोनमर का मतलब हो गया खगोल एंड एस्ट्रोलॉजर का मतलब हो गया ज्योतिष एंड प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब हो गया भविष्य दृष्टा जिसने भविष्य को देख लिया हो ऐसा दावा करने वाला नेक्स्ट एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर मतलब कि ऐसा एनिमल जैसे कि मेंढक हो गया जो दोनों जगह पर लैंड पर एंड वाटर में दोनों जगह पर रह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन एम्फी मतलब दोनों जगह पर और बियन मतलब दोनों जगह पर रहने वाला एंड वट ब्रेड वट ब्रेड उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके बैक बोन्स होते हैं रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है एंड मैमल होता है स्तनपाई जानवर जो एग्ज ना दे करके डायरेक्ट बेबीज को ही जन्म देते हैं और उनको स्तनपान कराते हैं उनको कहा जाता है मैमल एंड आर्बोरियल का मतलब होता है ट्री से रिलेटेड जो जानवर होता है दैट इज कॉल्ड आर्बोरियल नेक्स्ट एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग किसी चीज का हु बहू कॉपी कर लेना सो so, उसको कहा जाएगा रेप्लिका इसको फॉर्जरी uh, नहीं कहेंगे फॉर्जरी का मतलब होता है किसी चीज़ का नकल कर लेना कॉपी कर लेना बट इसको एग्जैक्ट या फिर वेरी क्लोज कॉपी नहीं कहेंगे एंड आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन uh, के द्वारा बनाया गया एंड सब्सट्यूट का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे चीज़ का यूज़ करना दैट इज़ कॉल्ड सब्सट्यूट जो कि हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं वन वर्ड सब्सटीशन जिसका मतलब क्या है कि एक बड़ा सा सेंटेंस उसके जगह पर हम लोग एक सिंगल वर्ड को जानते हैं उसको स्टडी करते हैं सो so, इसी को कहा जाता है वन वर्ड सब्सटन ओके नेक्स्ट अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज कोई भी ऐसा वर्ड या फिर लॉ कोई नियम जो अभी यूज में बिल्कुल नहीं है जो पहले यूज में था सो so, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एंड ये होता है ऑब्सोलेट ऑब्सोलेट ओके एंड वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय जिसको आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं एंड विंटेज का मतलब होता है ओल्ड बट वैल्यूड जो पुराना तो हो गया है बट उसको अभी भी वैल्यू दिया जाता है बट ऑब्सोलेट वो होता है जो पुराना हो भी गया है और उसको अभी कोई यूज नहीं भी करते हैं एंड एब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण रूप से नेक्स्ट अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट एल्स हैज डन ऐसा इंसान जिसके ऊपर वो आरोप लगाया जाता है जो गलती उसने ना की हो बल्कि दूसरे किसी इंसान ने की हो तो इसको कहा जाता है स्केप गॉट इसको हिंदी में बहुत भली भांति हम लोग जानते हैं इसको कहा जाता है बलि का बकरा बलि का बकरा मतलब कि उसको बलि पर चढ़ाकर असली जो आरोपी होता है वो भाग जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्केप गॉट खुद आप स्केप करने के लिए किसी को गॉट बना देते हैं ऐसे याद कर सकते हैं एंड एनिमी तो दुश्मन हो गया एंड ओपोनेंट मतलब कि आपका जो विरोधी होता है अपोजिट साइड वाला कॉम्पिटिटर का मतलब होता है प्रतियोगी नेक्स्ट इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स जो अपने कर्ज ना चुका पाता हो तो उसको कहा जाता है इन्जोलवेंट इन्जोलमेंट मतलब कि दिवालिया ओके एंड एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला बिना बात के इसको फिजूल खर्ची कह सकते हैं एंड ऑब्सोलेट तो हमने अभी अभी पढ़ा एंड करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट जो इलीगली काम करता है नेक्स्ट एंड अ लास्ट क्वेश्चन अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क इसको कहा जाता है बिब्लियोग्राफी ओके बिब्लियोग्राफी बिब्लियो रूट वर्ड है बुक्स के लिए एंड बिब्लियो फाइल तो फाइल रूट वर्ड होता है लव के लिए तो बिब्लियो फाइल मतलब कि बुक्स के प्रति जिसका लव होता है बुक्स को प्रेम करने वाला एंड कैलीग्राफी कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन एंड होलोग्राफ़ी का मतलब होता है होलोग्राम्स बनाने की एक्टिविटी ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर जय हिंद